नाम रखा गया था उसके बारे में बताइए। आज माले गांव शहर मजिस्ट्रेट की जानिब से आज माले गांव शहर मजिस्ट्रेट की जानिब से ईद के तीसरे रोज यानी निवासी को ईद गिरी का प्रोग्राम एक कार्यक्रम रखा गया और शहर भर से जिसे इत्यादि मुस्लिम के जिम्मेदारान हमदर्दान और मजलिस से वाबस्ता लोग और साथी तौर से खानवाना यूनिवर्सिटी से वाबस्ता लोगों को इस प्रोग्राम में मदद किया था और अल्हम्दुलिल्लाह आज का ये ईद मिलन प्रोग्राम आप लोगों की मौजूदगी में हुआ। अल्लाह का शुक्र है आप लोगों ने भी अपने माथे की आग से देखा इंतहा कामयाबी से हमकिना। मैं आज के इस प्रोग्राम में तमाम ही श्रोता को ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आज के इस प्रोग्राम में जहाँ शहर भर से रमज़ान के रोज़े रखने वाले रमज़ान की बरकत से मुस्तफीज होने वाले शहर भर के मुसलमानों ने शिरकत की, साथ ही साथ एकता का, अखंडता का, भाईचारगी का, अख़ुवत का पैगाम देने के लिए बिरादरान वतन के भी सैकड़ों हमारे भाई आज की मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की इस ईद मिलन की जो तकरीब थी उसमें शिरकत दर्ज कराकर शहरियान को और ख़ास तौर से मुल्क के शरपसंद अनासरीन को इस बात का सबूत दिया कि मालेगांव शहर एक अमन का गहवारा है, अमन पसंद लोगों का शहर है। यहाँ के लोग इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ रहना जानते हैं और यहाँ की जो अखंडता है, जो कम्युनल हारमोनी है, उसको किस तरीके से कायम रखा जाए इस बात का सबूत यहाँ पर बिरादरान वतन ने हाजिरी लगाकर पेश की। आज मुल्क भर और शहर भर के जो सियासी हालात हैं वो काबिले तश्वीशनाक है। पिछले दिनों रमज़ान में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ का कत्ल किया गया ये मुल्क के लिए इंतहाई तश्वीशनाक हालात है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि हम माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, तो फिर ये दूजा व्यवहार अतीक अहमद के कातिलों के साथ क्यों? हमारा एक सवाल है कि अतीक अहमद के बेटे असद को पुलिस ने 20 दिन के अंदर ढूंढ कर उसका इनकाउंटर किया। असद भी उसी जुर्म में मुब्तला था जो अतीक अहमद के और अतीक अहमद के भाई के कातिल थे। जो लोग पुलिस के सामने नहीं थे पुलिस उनको ढूंढ कर इनकाउंटर करती है और जो लोग पुलिस की नजरों के सामने लोगों का कत्ल करते हैं वो महफूज रहते हैं। यह दूजा कानून इस मुल्क में चल रहा है। हम किसी भी मुल्ज़िम की हिमायत नहीं करते। हम इस मुल्क में कानून की बालादस्ती की बात करते हैं, कानून की सुप्रीमेसी की बात करते हैं, कानून की सर्वश्रेष्ठता की बात करते हैं। इस मुल्क में कानून सबके लिए एक होना चाहिए। इस मुल्क में एक अदालती निज़ाम है
उस निजाम के तहत और इस मुल्क के संविधान और कानून के तहत देश चलता है और कोई भी इस देश के कानून से बड़ा नहीं है। कोई हुकूमत का सरबरा या कोई हुकूमत के सरबरा की बात, ख्यालात, नजरियात कानून नहीं है। कानून डॉक्टर बाला साहेब अंबेडकर ने जो दस्तूर बनाया है वो कानून है और इस मुल्क में अमन, इत्तेहाद और इस मुल्क की तरक्की जो है वो हिंदुस्तान के कानून और हिंदुस्तान में के जो है संविधान में छुपी हुई है। इस ईद के पैगाम के साथ में मेरी दो बात। डॉक्टर साहब, जो ईद के दिन जो बयान हुआ लश्कर वाली ईदगाह पर, उसको देखिए, मीडिया जो है इस मुल्क के सियासत का और सियासी निजाम का बहुत बड़ा सुतून है, या यूं कह लीजिए कि सबसे बड़ा सुतून है। इस मुल्क में मीडिया को गैर जानिबदार होना पड़ेगा। जिस मुल्क में रूल ऑफ लॉ रहता है, कानून की सरबराई और कानून की बालादस्ती रहती है, और जिस मुल्क में मीडिया जानिबदारी से पाक होता है, आज उन मुल्क की तरक्की आप लोग देख रहे हैं। मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल, जो कि ईदगाह के खतीब व इमाम भी हैं, मीडिया के सवाल करने पर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि लोगों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा, यकीनन ये सारी दुनिया के लोग जानते हैं कि मुसलमान मरने के बाद मिट्टी में ही दफन होता है। ये कोई नई बात नहीं है। ये 1400 साल, मैं समझता हूँ दुनिया जब से बनी है, जब से इस शरीयत का निफाज मुसलमानों में है कि मरने के बाद उसे मिट्टी में दफनाया जाता है। अगर ये बात कही जाए कि मिट्टी में दफन होने से कोई हमें ऐब और हम मायूब नहीं होते हो जाते, ये कोई बात गलत नहीं है। ये हमारा दीनी शियार है और पर्सनल लॉ से हमको इस बात की इजाज़त है कि मरने के बाद हमें मिट्टी में दफन किया जाएगा। तो इस बात को सिर्फ मीडिया तोड़ मरोड़ कर इस मुल्क में आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए अकलियतों के खिलाफ एक हवा खड़ा कर रही है।